सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका नगर संग्राम में। उत्तर प्रदेश में चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव अब नजदीक है, वहीं भावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में नगर संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम पहुंची नरही वार्ड में, यहाँ के विकास कार्यो का जायजा लेने के लिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के नरही वार्ड में, जहां हम लोगों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि तत्कालीन जो पार्षद हैं उनके कार्यों से यहां की आम जनता है वो कितनी खुश है, कौन से ऐसे काम हैं जो उन्हें बेहतर लगे और क्या अधूरे हैं जो उसे आने वाले चुनाव में जो जिनको चयन करके फिर से लाते हैं उनसे अपेक्षा रखते हैं। साथ ही साथ तमाम सफाई को लेकर, साथ ही नगरों के विकास को लेकर तमाम ऐसे चीज़ों को सरकार की तरफ से आम जनमानस के लिए दिया गया है वो सही ढंग से पहुंच रहे हैं और क्या कमियां, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम आम जनता के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे। ये नरही का लखनऊ के नरही वार्ड है जो एक पूरा रिहायशी इलाका है। यहाँ अगर देखा जाए तो अभी भी वो मोहल्ले हैं, इस मोहल्ले में खास करके देखा जाए तो सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं। और अगर देखें तो यहाँ से महज कुछ ही दूरी के पे विधानसभा है, साथ ही कुछ ही दूरी पे लोक भवन है, हजरतगंज चौराहा यहाँ से समीप है। विकास जो है वो किस स्तर तक यहाँ पहुँचा है उसको जानने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बता दें, हमें अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि निकाय चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको अभी जो तत्कालीन पार्षद हैं उनके कामों से कितना खुश हैं आप? उनके कामों से पूरी नरही हमारी खुश है। अगर देखा जाए तो प्रमुख जो काम है उसमें आप क्या बताना चाहेंगे जो उनके तरफ से किया गया? उनके तरफ से नाली है, नाला है, सब बनवाया गया, सड़क भी मरम्मत कराई गई। अच्छा, सरकार की तरफ से तमाम स्कीमें आती हैं, क्या वो सही ढंग से आप लोगों को मिल पा रही हैं आप? हाँ, सही ढंग से मिल रही है, सही ढंग से मिल पा रही है। हाँ। और जो नए पार्षद आपके होंगे या अगर वो रिपीट करते हैं तो क्या आशा अपेक्षा रहेगी कि क्या बदलाव आए, क्या आप अपेक्षा करते हैं? नहीं, बदलाव तो खैर यही आपके पास फिर चुनाव जीतेंगे, दूसरा मुश्किल है। हाँ। आपके मुताबिक आप उनके समर्थक हैं? नहीं, समर्थक नहीं हैं, हम जनता हैं, समर्थक नहीं हैं जी। तो हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ के नहीं, आप कहाँ से हैं? जी, ये तो कुछ और भी लोग बैठे हैं, ये ग्राहक हैं जो बस्ती ज़िले से आए हैं, और कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके विचार के मुताबिक कितना बेहतर काम हुआ है। अच्छा सर, हम अपना नाम बताएं और क्या आप नरही से हैं? जी, क्या आप नरही से हैं? हाँ, नरही से। अच्छा, हमें ये बताइए, अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव होने को है, महज कुछ ही समय के अंदर तिथियों का ऐलान भी हो सकता है, कितना आप जो तत्कालीन पार्षद उनके कामों से कितना खुश हैं आप? अच्छा खुश है भैया, काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, काम ठीक कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 5 सालों में तमाम वो कार्य किए होंगे। हाँ। अगर बात की जाए कुछ प्रमुख कामों का तो इस वार्ड में वो क्या बेहतर किए हैं जब से उन्हें जिम्मा मिला है? जब तो बेहतर मतलब ये किए हैं, जनता उनसे खुश है इसलिए बेहतर किए हैं। यहाँ पे शादी घर बना दिया है, जहाँ पे गंदगी रहती थी वहाँ पे सामुदायिक केंद्र बना दिया है हमारे नगर परिषद में, और भी सब नालियों दुरुस्त कराया, सब काम हम ठीक ठाक है उनका। अगर देखा जाए तो हर नेता के लिए चुनौतियाँ होती हैं, क्या ऐसी कमियाँ हैं जो चुनौती के तौर पर इस बार जो आपके तत्कालीन पार्षद हैं नागेंद्र चौहान, लोग यहाँ बता रहे हैं कि वो जनता दरबार भी हर दिन लगाते हैं, उसमें क्या होता है और कितना निदान मिलता है जनता? जितना भी जनता का काम है वो उसी टाइम ही निर्णय कर दिया जाता है, जैसे कोई चीज़ बनवाना है, आधार के लिए बनवाना, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तुरंत उनको बना के दे दिया जाता है। अगर देखा जाए तो उनका मुकाबला किससे रहता है यहाँ से, कौन से दल के नेता या फिर निर्दल रहता है? सपा से। सपा से इस बार क्या स्थिति है आपकी? फिर वही सपा से रहेगा, सपा से ही रहेगा। अगर देखा जाए तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ नरही वार्ड में जो कूड़े होते हैं वो सड़कों पे रखे हुए हैं,
तो क्या ये हमेशा से रहे हैं? क्या इसका इसकी शिकायत आप लोग अपने पार्षद से की? उनने दो टाइम यहाँ करा दिया है, सुबह शाम दोनों टाइम सफाई होती है, मगर कुछ जनताएं ऐसी हैं जो गंदगी को साफ होने बाद यहाँ फेंक देती है, जिससे चलने वाले लोगों को परेशानियाँ होती हैं लोगों को। अच्छा, हमें ये बताएं, सरकार की तरफ से तमाम स्कीम आ रही हैं, नगर विकास विभाग की तरफ से गीला कचरा सूखा कचरे के अलग पेट बनाए गए हैं, क्या वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ चल रही हैं? हाँ, व्यवस्था चल रही है, गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ बराबर आती हैं, साफ सफाई करती हैं, हाँ कार्य बढ़िया हो रहा है। भाई अब जनता को जागरूक होना चाहिए, अब एक आदमी करने से तो हो नहीं पाएगा कि एक आदमी कर रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, भाई साहब यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले अपना नाम बता दें और किस वार्ड से हैं आप? हमारा यहाँ वार्ड नहीं लगता भैया, हमारा वार्ड लगता है ओडियन के पास। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ काम करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं नरही वार्ड को, तो नरही वार्ड का जो आपका रिजल्ट है वो क्या कहेंगे? सालों से हैं लेकिन यहाँ साफ सफाई अच्छी है, बेस्ट है। और अगर देखा जाए तो आम जनमानस, आप लोग यहाँ के व्यापारी हैं, कहीं अलग वार्डों से आके अपना व्यापार कर रहे हैं, कई समस्याएं आती होंगी, तो पार्षद की तरफ से ऐसा वो नहीं है, जो नरेंद्र भाई हैं उसका समाधान करते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। और जो कंपटीशन रहता है दो लोग में रहता है, सपा और बीजेपी में। सपा और बीजेपी में, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि इस वार्ड से समाजवादी पार्टी और भाजपा में मुकाबला रहता है, और तत्काल में अगर बात की जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह चौहान यहाँ से पार्षद हैं, और ये इलाका एक बाजार, पूरे बाजारों से भरा हुआ है, यहाँ गलियों के लिए प्रसिद्ध है, अलग अलग यहाँ देखें तो अलग अलग गलियाँ हैं और हर एक गलियों की एक अलग पहचान है। अच्छा जी भाई साहब, एक मिनट आपका समय लेंगे, आप अपना नाम बता दें और किस वार्ड से? भाई हमारा वार्ड ये नहीं है, शिराज नाम है मेरा, हम उधर रहते हैं हुसैनाबाद की तरफ। अच्छा, मेरा यहाँ पे बिजनेस है। अच्छा बिजनेस है, आपका बिजनेस है तो आप इस वार्ड को बेहतर ढंग से समझते होंगे। अगर बात की जाए तो इस वार्ड के कामों से आप कितना खुश हैं और क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं? कमियाँ तो कुछ नहीं लग रही हमको, साफ सफाई भी रहती है हर चीज़ की, भाई जो एक पार्षद का काम होता है वो प्रॉपर वे में चल रहा, अच्छा चल रहा है। हाँ काम सब सही है यहाँ पर। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस ठंडा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जो इस वार्ड के हैं और उनके द्वारा जो यहाँ के तत्कालीन पार्षद हैं उनके कामों से कितना खुश हैं, और नए अगर चुन के आते हैं या उनको फिर से सत्ता मिलती है तो क्या अपेक्षाएं रखे हुए हैं? अच्छा चाचा, अपना नाम बता दें और किस वार्ड से हैं, कि आप नरही से हैं? नरही से जी, मोहम्मद वकील। ये बताएं कि अगर तत्काल में देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी से नागेंद्र सिंह चौहान पार्षद हैं। अच्छा हमें ये बताएं चाचा कि यहाँ तमाम काम किए गए हो पाँच सालों में, कुछ ऐसे काम बताएं जो आप लोगों के लिए बेहतर हुआ हो। बेहतर तो हम यहाँ पर तो कोई ऐसा काम नहीं, बस यही सफाई वाला है मेन। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि नालियों के बाहर कचरा रखा हुआ है, तो इसको लेकर क्या यहाँ कूड़े की गाड़ियाँ सही वक्त पर आती हैं? आती है, गाड़ी आती है सुबह में, लेकिन ये है कि कभी कभी गायब हो जाता है जी, दो दो दिन नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं तो सफाई होती है, लेकिन अभी जो है सही है, साफ सुथरा, साफ सुथरी, जब से ड्यूटी चेंज हुई है तब से जो है सफाई आप देख रहे होंगे सही है ये इस एरिए की। हम अपने एरिए की बात बता सकते हैं, आगे क्या है नहीं मालूम जी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनके भी विचारों को हम जानेंगे कि आखिर उनके मुताबिक यहाँ के जो तत्कालीन पार्षद हैं या उनके लिए कितनी चुनौती होगी, और इस बार का जो चुनाव है वो यहाँ लोग किसे चुन रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ अगर देखा जाए तो पाँच सालों में क्या काम किए गए हैं जो जनता को सही लगे हो। तो हमने अभी तक कई लोगों से बात की और अब हम नरही के दूसरे गली में हैं। ये अगर देखा जाए तो जो नरही वार्ड है लखनऊ का, यहाँ आम तौर पर अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारियों की भी दुकान है, साथ ही साथ यहाँ स्थानीय लोगों की भी दुकान है, और अनेकों तरह की, चाहे बात की जाए कपड़े की या बात हो सिलाई या सब्जी, हर एक चीज़ों का बाज़ार यहाँ लगता है। और यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे और इनका भी विचार जानेंगे। अच्छा मास्टर साहब, आप अपना नाम हमें बता दें और किस वार्ड से आते हैं लखनऊ के आप? नरही वार्ड से। नरही वार्ड से आते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा आप हमें ये बताएं कि पाँच साल पूरे हो गए आपके पार्षद जी के, अब नया, अच्छा अगर देखा जाए तो कैसा काम हुआ आप हमें बताएं? वो हम कुछ ना बताए, अगर देखा जाए तो कोई समस्या बता ही ना पाए, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं आप, दूसरे आदमी पूछो हम जी। तो साफ तौर से ये बातों से इनकार कर रहे हैं और इन्हें अपने वार्ड से कहीं ना कहीं ये अपने वार्ड को दरकिनार कर रहे हैं। चाचा आप अपना नाम बताएं,
और हमें ये बताएं कि कैसा काम हुआ है, कितने खुश हैं तत्कालीन पार्षद से और क्या बेहतर काम हुआ, क्या आप अपेक्षा थी वो नहीं हुआ है? काम सब ठीक है लेकिन थोड़ा महंगाई कम करें बस, और कोई बात नहीं। नरही की समस्या क्या है? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार देखा जाता है कि गलियों में लंबा जाम लग जाता है और खास तौर पे लोग दूर दराज से पढ़ने वाले या रोजगार यहाँ काम करने वाले लोग भी यहाँ रूम लेकर रहते हैं, तो देखा जाए तो आमतौर पे 50% जो आबादी है वो बाहर की है, तो इससे कोई समस्या नहीं? इससे कोई समस्या नहीं, इससे कोई समस्या, काम धंधा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। काली बार महंगाई हो थोड़ा कंट्रोल करें। सफाई को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नालियों के बाहर कूड़ा रखा हुआ? सफाई तो होती रहती है लेकिन कोई कोई दिन नागा कर दिन तो ये ढेर हुआ था। नागा होता है? अच्छा, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सफाई कर्मी है वो अपने काम को करते हैं मगर कई बार उनसे चूक हो जाती है और नागे के चलते सबको पर कूड़ा दिखते हुए नजर आता है। हम आपका एक मिनट वक्त लेंगे, आप अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कैसा काम चल रहा है आपका? ठीक ही है, ठीक है। निकाय चुनाव आ चुका है, आपके तत्कालीन पार्षद के 5 साल पूरे हो गए हैं, क्या कमियां रह गई और क्या अच्छाइयां हुई, क्या विकास कर रखा? देखो भाई, मेरे भाई हर एक के अंदर रहती है और अच्छाइयां भी रहती हैं। पहली बात, कमियों को भूल के अच्छाइयां देखनी चाहिए इंसान। क्या अच्छाइयां हुई 5 सालों में, क्या बदलाव आया नरही के अंदर? तो हमारी नरही का हुआ है भाई, काम भी हुआ है और लोगों की देखरेख भी बहुत अच्छी। हमें महज 2 काम आप बताएं जो नरही के अंदर में 5 साल के अंदर में बेहतरी लाया। सबसे बड़ी दिक्कत जो बिजली की थी वो हमारे वहाँ बहुत अच्छी हो गई है और पानी भी सही आता है। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सड़कों पे अभी भी कूड़ा नजर आ रहा है। भाई इतनी बड़ी मार्केट है, 2 बार सफाई हो रही है, अब ये तो पब्लिक को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लोग अपने घरों से कूड़ा फेंकेंगे, सफाई अभियान कब तक लोग करेगा? ये तो जनता, मतलब आपके मुताबिक जनता को भी जागरूक, जनता को जागरूक होना चाहिए। भाई 2 टाइम सफाई हो रही है तो दोनों टाइम का ध्यान रखना चाहिए। अभी वो सफाई करके जाता है, लोग ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं, तो ये चीज जनता को जागरूक होना चाहिए। इसमें सरकार का कुछ थोड़ी ना लेना देना, जब तक जी बिल्कुल। आप कहाँ से हैं और अगर देखा जाए तो आप किसे इस बार चुनेंगे? जब देखो चुनाव, अभी तो सभा साथ का आएगा, अभी देखा जाएगा फिर। आज अभी सूचना आ रही है, हो सकता है कि तारीखों का ऐलान भी हो जाए। अगर देखा जाए तो यहाँ मुकाबला किससे रहता है? मुकाबला देखिए, यहाँ किसी का मुकाबला नहीं रहता, सभी अपने नरही के वासी सब अपने हैं। हार जीत का जो फैसला होता है थोड़ा बहुत करीबी होता है, इसलिए किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, जो भी पार्षद बन के आए, अगर बात की जाए समस्याओं की तो क्या समस्या है जिसकी निदान आप चाहते हैं? तो देखिए हम लोग की कोई समस्या नहीं है इस समय भाई सब कुछ आराम से मिल ही रहा है, तो समस्या किस बात की? समस्या कोई नहीं है, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है जी बिल्कुल। तो ये साफ तौर से कहीं ना कहीं जो तत्कालीन सांसद जो पार्षद हैं उनसे खुश हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ समस्याएं नहीं हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम लोग और भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। चाचा आप अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि 5 साल पूरे हो गए आपके पार्षद के और चुनाव आने वाला है, तारीखों का ऐलान जल्दी हो जाएगा, क्या कमियाँ रहीं और क्या अच्छाइयाँ? कोई कमी नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अगर देखा जाए तो नरही एक VIC इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, जाम की भी समस्या रहती है, गंदगी की भी, तो आप जनमानस से क्या कहेंगे और शासन से क्या कहेंगे कि इस पे सुधार किया जाए? सफाई तो यहाँ का रहती है, 2 बार होती है सुबह शाम दोनों बार, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। जी तो यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सफाई 2 बार होती है मगर कहीं ना कहीं आम जनता है वो जागरूक नहीं है। अब आज के लिए नगर संग्राम में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।